शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से यहाँ नीचे रख दीजिए। ये सब क्या है मम्मी? आपको और पापा को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत की सारी चीजें मैं ले आई हूँ। अगर आपको किसी भी और चीज की जरूरत हो तो आप प्लीज मुझे फोन कीजिएगा। उस गुंडे का एड्रेस दे दीजिए मुझे प्लीज। सर मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं और मेरी बीवी श्रद्धा दोनों आपको पूरा साथ देंगे उसे पकड़ने में। आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि चेहरे पे चार चांद लग गए? उस रात की कहानी आज यहीं खत्म। अरे उन गुंडों का एड्रेस है, अब देखना कॉलर से पकड़ के घसीट के लाऊंगा उनको तुम्हारे पास। हम दोनों मिलके उससे उगलवाएंगे कि किसने करवाया ये सब कुछ। मम्मी जी मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। श्रद्धा यहाँ आओ। आ गई तुम? आओ बैठो यहाँ। आओ आओ बैठो बैठो यहाँ बैठ। ये लो पानी, थक गई होगी ना तुम, ये पियो। मम्मी जी मैं, अरे हमने तो तुम्हारे लिए चाय भी बनाया। ये रही चाय, चलो पियो, पिला दूं? नहीं मम्मी जी इसकी कोई जरूरत। अरे बैठ जाओ। कैसे जरूरत नहीं है? अरे सुबह से तुम जुटी हुई हो सेवा में, कभी चाय नाश्ता काढ़ा पता नहीं क्या क्या बना रही हो और अपने हाथों से पिला रही हो, तो थकावट तो होगी ना बेटा। और मम्मी जी से क्या छुपाना, वो कीर्ति कॉलेज चली गई थी। अच्छा कीर्ति कॉलेज चली गई तो तुम अपना सारा काम छोड़ के लपक के उसका सारा काम कर लिया? आज ऑफिस बंद है तुम्हारा? नहीं मम्मी जी। अरे हमने कहा ना बैठो। मम्मी जी मैं आपको यही तो कह रही थी कि मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। अच्छा अच्छा देखो तुम सुबह से जुटी हुई हो इतने काम में, तो अब हमारा भी एक छोटा सा काम कर दो। ये रहे, ये रहा कागज, ये रहा कलम। अब इसमें तुम एक पता लिखो, 2/55 त्रिपाठी निवास पहली मंजिल। चलो लिखो लिखो। अरे हमने कहा ना बैठो। चलो चलो चलो। और हाँ एक मिनट, गलत पता मत लिखना, हाँ सही पता। मम्मी जी मैं कुछ समझी नहीं। वो ऐसा है ना श्रद्धा कि आजकल तुम इतना ज्यादा नीचे रहती हो कि हम ही भूल जाते हैं कि तुम्हारा असली पता क्या है। नहीं मम्मी जी वो मैं तो बस तो हम सोच रहे हैं कि अखबार में छपवा लेते हैं ताकि तुम्हें भी याद रहे कि ये तुम्हारा घर है और ये तुम्हारा परिवार है, समझी? और सुनो नैना भाभी के साथ हमारा रिश्ता जो है ना तुमसे ज्यादा पुराना है, तो हमें भी उनकी बहुत चिंता है, तो ज्यादा दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? अरे हम तुमसे कह रहे हैं, कुछ समझ में आया कि नहीं? जाओ अब ऑफिस के लिए देरी हो रही है। श्रद्धा तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं पान वाले को ढूंढने जा रहा हूं तो तुम्हें भी ड्रॉप कर दूंगा। हेलो, कौन सी दुनिया में खोई हो? क्या श्रद्धा के जीवन में किसी नई मुसीबत ने दस्तक दी है? मैं भी ना सॉरी, तुम उन गुंडों को लेके परेशान हो ना, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, तुम प्लीज घबराओ मत। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक बार ना वो पान वाला मिल जाए, चिपका रहूंगा उस पान वाले से जब तक वो उन गुंडों का एड्रेस नहीं बता देता मुझे। फिर देखना ऐसा सबक सिखाऊंगा ना उन गुंडों को कि तुम्हारा नाम सुनते ना उनको उनकी नानी याद आ जाएगी। मुझे आप पे पूरा भरोसा है। थैंक यू सो मच।
लकीरों से, किस्मत की लकीरों से। ये घर से ही क्यों कॉल कर रही है मुझे? हाँ सोनिया बोलो। अभय मुझे ना तुम्हारी हेल्प चाहिए, प्लीज मेरे कमरे में आ जाओ, एक्सरे के लिए भी तो जाना है ना, प्लीज आ जाओ ना। हाँ ठीक है आता हूँ। जरा ये डोरी बांधने में मेरी हेल्प करो ना, कल जब मैं गिरी थी ना तो शायद मेरे हाथ में भी चोट लग गई है, तो तुम प्लीज ये बांध दो। सोनिया तुम ऐसे झटके से क्यों उठी? तुम्हारे पाँव पे झटका लग सकता है। वो अभय नहीं आया? वो एक्चुअली अभय का कुछ काम था तो वो बाहर गए हैं, पर तुम चिंता मत करो, वो अपने दोस्त का ख्याल रखने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़कर गए हैं। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो तुम मुझे बेझिझक कह देना। हम देर क्यों कर रहे हैं, चलते हैं ना, एक्सरे करवा लेते हैं। एक्सरे? अरे नहीं नहीं श्रद्धा, मुझे पहले से बेटर लग रहा है, वो दवाई लिया ना तो उसका असर है, तो 2-3 दिन में चलते हैं ना। लो मैं तो उल्टा तुम्हारा यहाँ साथ देने आई थी। देखो सोनिया, इससे पहले दर्द और बढ़ जाए हमें जल्दी हॉस्पिटल चल के एक्सरे करवा लेना चाहिए, चलो। अरे श्रद्धा मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आराम करूंगी ना, ठीक हो जाऊंगी। तुम ऑफिस जाओ, तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही होगी। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने ऑफिस में पहले ही बोल दिया है। श्रद्धा मेरे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो तुम प्लीज ऑफिस जाओ, मुझे थोड़ी देर आराम करना है। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो और आराम करो, मैं चलती हूँ। सब समझ में भी आता है और सब संभालना भी आता है मुझे, सुनो। और कुछ चाहिए? नहीं बेटा, बस सुबह से आप घर के कामों में लगे हुए हो, इतनी हमारी सेवा कर रहे हो, और ऑफिस का काम भी तो है ना। मम्मी आप वो सब मत सोचिए, आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए। हमने तो हमेशा भैया और भाभी को जिम्मेदारी बांटते हुए देखा है, अब अगर कीर्ति अपने हिस्से का काम कर लेती तो बेचारे वरुण को कितनी आसानी होती ना भाभी। बुआ जी आप जानती है ना, वो कॉलेज गई हुई है। लो जी, अब अगर हम कुछ कहेंगे तो कहोगे कि रितु हमेशा बोलती रहती है। हर एक को ना पढ़ी लिखी बहुएं चाहिए, पर उस पढ़ाई का क्या फायदा कि बीमारी में बैठकर सास की सेवा ना कर सके। कल तक तो घर पर ही थी, 2 दिन और रुक जाती तो क्या फर्क पड़ जाता। ऐसी बात नहीं है मम्मी, एक्चुअली वो तो रुकना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे कहा कि उसे कॉलेज जाना चाहिए, शादी की वजह से उसकी पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। ओह,
पति हो तो ऐसा। अभी हमारे वक्त में पति ऐसे कहाँ होते थे कि अपनी पत्नी की हर एक गलती। हमारा कहने का ये मतलब था कि हर एक जवाब तैयार रखे अपनी पत्नी के लिए। मैं कीर्ति से बात करूंगा। हेलो। हाँ वरुण जी, बस कॉलेज से निकले ही हैं अभी। पान वाले की दुकान बंद है आपने? हाँ वरुण जी, हम आ जाएंगे, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? कीर्ति यहाँ? हाँ ठीक है, कॉलेज में इतनी असाइनमेंट मिले हैं ना, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा हम कैसे पूरा करेंगे, पूरी रात निकल जाएगी। बॉलीवुड डांस स्टूडियो, क्या एक्टिंग करती है अभी, वो भी उसके साथ जो इससे सबसे ज्यादा प्यार करता है। अजीब रिश्ता है इनका, झूठ के सहारे चल रहा है। श्रद्धा को पता चला तो ये आप क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूँ श्रद्धा, मैंने उस पान वाले से सब पता करवा लिया है। वो गुंडा अभी तो छुपा बैठा है, पर हर दिवाली एक जगह ताश खेलने आता है, देखना इस बार मैं उसे भागने नहीं दूंगा। क्या हुआ? मैंने बहुत सोचा है इस बारे में, जिस तरह से मुझ पर हमला हुआ, वो भी शादी वाली ही रात, और फिर गुंडों के पकड़े जाने के बाद मेरे मम्मी पापा को धमकी दी गई, ये सब एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता? मतलब आपको ये शायद सुन के थोड़ा अजीब लगे, पर मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जरूर किसी की सोची समझी एक प्लानिंग है, कोई ऐसा जो हमें जानता है, कोई जान पहचान वाला, कोई अपना। हाँ, हो तो सकता है। ये दिवाली हमारे लिए बहुत खास होगी श्रद्धा, क्योंकि इस दिवाली पे उस प्लान, उस परछाई का भी पर्दाफाश कर दूंगा जो इन गुंडों के पीछे छुपा बैठा है। अब श्रद्धा एक कड़क चाय मिलेगी? बहुत थक गया हूँ। हाँ, अभी लाइए। श्रद्धा जी, एक और बात करनी थी कीर्ति के बारे में। क्या हुआ दीदू, बोलिए। कुछ नहीं कीर्ति, वो ताई जी की तबीयत के बारे में उनका हालचाल पूछने आई थी। वैसे तू बताना कैसा गया तेरा आज का दिन, और पूरे दिन तू कहाँ थी आज? कीर्ति मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ थी तू आज पूरे दिन? तू एक ही बात कितनी बार पूछेंगे, कॉलेज गए थे हम, बहुत सारे क्लासेस और असाइनमेंट्स थे। और कोई रिपोर्ट चाहिए आपको? बहुत अच्छी बात है तू कॉलेज गई थी, तो बता ना क्या क्या असाइनमेंट्स मिले तुझे और कौन कौन सी सब्जेक्ट्स की आज पढ़ाई हुई। दीदू आप बचपन की तरह सवाल जवाब क्यों कर रही हैं? हम कोई बच्चे हैं क्या? क्योंकि तू अभी भी झूठ बोल रही है कीर्ति। हम क्या झूठ बोलेंगे? यही कि तू आज पूरे दिन कॉलेज में थी और तू कॉलेज में बिजी थी। हाँ तो और कहाँ बिजी होंगे हम? तू डांस क्लास गई थी कीर्ति। अब दीदू फालतू के इल्जाम नहीं लगा सकती हम पे। सच सच बता कीर्ति, तू डांस क्लास गई थी ना? नहीं तो, और आपको कैसे पता? आप तो ऑफिस में थी ना, ऑफिस में क्या दिमाग का दूरबीन लगा कर बैठती है? अब भी वक्त है कीर्ति, सच बोल दे। अभय जी ने तुझे डांस क्लास से निकलते हुए अपनी आंखों से देखा है।
हे भगवान, ये अभय तो ना हमारे पीछे हाथ धोकर ही पड़ा है, हमारा पीछा कर रहा था। शादी हो गई है हमारी, थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए उसके अंदर। एक शादीशुदा लड़की का पीछा करना कितनी गलत बात है। मतलब तू डांस क्लास ही गई थी ना? दीदू, आप अंधी हो सकती है पर हम नहीं। और तो कोई काम धाम है नहीं उसे, सिवाय हमारी जिंदगी में आग लगाने के और मनहूसियत फैलाने के। बस कीर्ति, अभय जी के खिलाफ तेरे मुंह से अब मैं एक और शब्द नहीं सुनूंगी। वरना वरना क्या दीदू, हमें जो सही लगेगा हम वही करेंगे और हमें जो सही लगेगा हम वही बोलेंगे। ठीक है, तो फिर मैं भी अपनी मर्जी से ही करूंगी, जो भी करूंगी। दीदू भी ना कहीं वरुण जी के सामने हमारे बारे में सब कुछ बक तो नहीं दिया। बोल भी दिया तो क्या, वरुण जी हमारे दीवाने, वो हमारी बात मानेंगे। उस निकम्मे टांग अड़ाऊ अभय को झूठा साबित करने में हमें 2 मिनट नहीं लगेगा। मैं तो ये बात सपने में भी नहीं सोच सकता। वरुण जी, आपको ना अभय हमारे खिलाफ भड़काना चाहता है। अभय? मैंने अभय की बात कब की? अरे आपको तो पता है ना, वो हमारे खिलाफ कितनी सारी बकवास बातें करता है। उसने दीदू को बोला होगा, दीदू ने आपको बोला, ये सब झूठ है। लेकिन कीर्ति, अभय इस बारे में झूठ क्यों बोलेगा? और मुझे तो हैरानी इस बात की है कि ये बात मुझे तुमसे क्यों नहीं पता चली। वरुण जी, आप दीदू की बात मत मानिए, दीदू तो आजकल अभय की हर बात मान लेती है। लेकिन अभय ने जो बोला है वो गलत तो नहीं है ना? वरुण जी, आपको हमसे ज्यादा उस अभय पे भरोसा है? हाँ, इसलिए अब तुम भी ध्यान से मेरा फैसला सुन लो। अब से मैं हर रोज तुम्हें तुम्हारे कॉलेज ड्रॉप करने के लिए जाऊंगा और थोड़े देर के लिए वहां पर रुकूंगा भी, जब तक तुम वहां से कॉलेज के अंदर नहीं चली जाती। श्रद्धा ने अभी मुझे बताया कि अभय ने तुम्हें देखा धूप में ऑटो रिक्शा का वेट करते हुए। क्योंकि तुम अब शादीशुदा हो, इसी बात को लेकर कॉलेज के कुछ लौंडे तुम्हें छेड़ रहे थे और मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी को कोई भी तकलीफ पहुंचे और ना ही मैं तुम्हारी पढ़ाई रोकना चाहता हूं। थैंक यू श्रद्धा, और अभय को भी मेरी तरफ से शुक्रिया कहना कि उसने सच बता दिया, वरना मेरी ये प्यारी सी बीवी चुपचाप बिना किसी को बताए अंदर ही अंदर तकलीफ सहती रहती। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरी बहन अच्छे से अपनी पढ़ाई पूरी करे, बिना किसी रुकावट, बिना किसी तकलीफ के। आपने अपना खेल खेल लिया दीदू, पर हमारा गेम भी रुकने वाला नहीं है। डांस क्लास तो हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे आप पूरे त्रिपाठी परिवार को पहरेदारी पर लगा दो। ओके, हमारी पहरेदारी किए बिना आपको चैन नहीं आता ना मम्मी? अरे माँ है तुम्हारी और हम अंधे नहीं हैं, हमको भी दिख रहा है कि आजकल तुम घर पे रहते ही नहीं हो और जब रहते हो तो इस फोन से चिपके रहते हो। अरे नौकरी वोकरी मिलेगी कि नहीं तुम्हें? हम कह दे रहे हैं, जो भी चल रहा है ना तुम हमें साफ साफ बता दो, हमको जानना है। बताओ अभी, अभी के अभी। मम्मी, अगर बता दिया और सच का खुलासा कर दिया तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हे भगवान, क्या हुआ है?
अरे बताओ ना, आपके बेटे ने व्रत रखा है क्या? अरे बेवकूफ, आपको डरा ही दिए तुम। हाँ, व्रत रखा है तूने? जी वो मुझे नौकरी जल्दी से मिल जाए ना, इसलिए। आपको भी तो मेरी चिंता लगी रहती है ना। मैंने एक महान पंडित जी से बात करी है, उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द मेरी किस्मत बदलने वाली है। हाय हमारा बच्चा, हमारा लाडला। देखना इस दिवाली ना तू लक्ष्मी माँ से जो भी मांगेगा ना वो सब तुझे देंगी। बस मम्मी मेहनत तो कर रहा हूँ, बस जो चाहिए वो जल्दी से मिल जाए। अरे जरूर मिलेगा बेटा। और हाँ, तूने व्रत रखा है तो थोड़ा ध्यान रख वरना कमजोरी हो जाएगी। हाँ ये ले, ये जूस पी ले। अभी भी है मम्मी? अरे थोड़ा और पी ले। ये ले, ध्यान रख अपनी, ठीक है? और श्रद्धा उपवास का खाना बना देना फटाफट अभय के लिए, ठीक है? हम आते हैं। आपने मम्मी जी से झूठ क्यों बोला? अच्छा तो तुम्हारा मतलब है मम्मी को सच का सामना करवा दूं और हम दोनों कटघरे में खड़े हो जाएं? और मम्मी को टेंशन वो सो अलग, और ऐसे भी किसी के भलाई के लिए बोला गया एक झूठ ना 100 सच से भी आगे निकल जाता रेस में। तुमने बचपन में सुना नहीं है क्या? अरे वो कीर्ति से बात हुई तुम्हारी? हाँ, लेकिन इस झूठ का उस झूठ पे क्या असर पड़ेगा ये तो कल सुबह ही पता चलेगा। अच्छा वरुण जी को गहरी नींद आ गई है, हम ना निकल जाते हैं। सुबह सुबह कहाँ जा रही हो इतनी तैयार हो गए? वो हम कॉलेज कॉलेज जा रहे हैं। पक्का कॉलेज ही जा रही थी ना? हाँ वरुण जी, अब कॉलेज जा रहे हैं। वैसे संडे को कौन सा कॉलेज खुला होता है? मेरी स्वीट स्वीट स्वीट। हाँ आज तो संडे है, हम भी ना इतनी सारे असाइनमेंट इतनी सारी पढ़ाई में ना हमें बिल्कुल याद ही नहीं रहा क्या संडे क्या मंडे, भूल ही गए हम। चलो तो ठीक है, आज तुम्हारी भी छुट्टी है और मेरी भी, तो एक काम करते हैं दिवाली की तैयारी भी कर लेंगे और मम्मी का काम में हाथ भी बटा देंगे। वैसे तुम तो तैयार ही हो, मैं भी फटाफट तैयार होके आता हूँ। अरे क्या मुसीबत है, इस झमेले से हम कैसे बाहर निकले? अभय संभल के। खुद के कदम संभल नहीं रहे हैं, दूसरों को बोल रही हो। संभल के। थैंक यू। किस्मत की लकीरों से, किस्मत की लकीरों से, किस्मत की लकीरों से। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।